पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके लिए पंजाब से बड़ा कुछ नहीं है, पंजाब उनका घर है, लेकिन उन्हें दिल्ली से ऑर्डर आया कि पंजाब से दूर रहो। सिद्धू ने कहा कि इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने कहा, दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से ऊपर नहीं है, अगर ये पहली बार होता तो मैं सहन कर जाता, लेकिन तीसरी चौथी बार ऐसा हुआ। सिद्धू को तब पंजाब से चुनाव लड़ने बोला जब विरोधी लहर थी। सिद्धू जीता, लोगों ने विश्वास किया और चार बार मौका दिया, लेकिन जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी डूबे थे, सिद्धू को भी डुबो दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो या फिर उज्जैन के महाकाल या फिर हो देवघर के भोले बाबा, सभी जगहों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इसके साथ ही हर शहर में शिवालयों पर भी भक्त उमड़े हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूरी विधि विधान से महाकाल की भस्म आरती हुई, फिर पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए भक्त उमड़े हुए हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के दुबेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के समूह ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या ने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया, ये कोर्ट की अवमानना है, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या से उनकी संपत्ति का सील बंद लिफाफे में ब्यौरा मांगा था। बैंकों के समूहों ने हाल ही आरोप लगाया था कि माल्या मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें कि विजय माल्या इस वक्त ब्रिटेन में है और फिलहाल उनके भारत वापसी के कोई आसार नहीं लगते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप किसी से नहीं डरते, बीजेपी चाहे तो कल की बजाय आज भी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दे। आप नेताओं की गिरफ्तारी पर आशुतोष ने आगे कहा, गुजरात गोवा पंजाब हिमाचल में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आपको फंसा रहे हैं, हम लोगों ने घर में कह दिया है कि किसी भी दिन पुलिस आकर आशुतोष को गिरफ्तार कर सकती है, गंदे आरोप लगाए जा सकते हैं, मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि घबराना मत, मोदी जी इस गंदी राजनीति के सर सर्वा है, हम इससे नहीं डरते हैं, कल की बजाय आज संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। साई सेंटर सोनीपत में नरसिंह यादव के कमरे में रहने वाले संदीप यादव के भी डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा कि इससे शक पक्का हो गया है कि इसमें कोई साजिश नहीं है। लगातार दो पहलवानों के डोप में फंसने के बाद हर कोई सकते में है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा, शिविर में नरसिंह के रूममेट को भी उसी पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया, जिसे साफ पता चलता है कि ये साजिश है। दोनों पहलवान रूममेट होने की वजह से एक ही सप्लीमेंट ले रहे थे। इसके अलावा संघ ने कहा कि उसके नमूने में स्टेरॉइड की मात्रा काफी ज्यादा मिली है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। दैनिक अखबार ने लिखा है कि यदि ये कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ ना दिए जाने की प्रतिक्रिया है तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे। द ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि चीन ने एनएसजी में भारत के शामिल होने का विरोध किया, इसलिए भारत अब बदला ले रहा है। यदि नई दिल्ली वाकई एनएसजी सदस्यता के मुद्दे के चलते बदला ले रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के तीन चीनी पत्रकारों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। सोमवार को स्पीकर ने एक्शन लेते हुए मान के 3 अगस्त तक संसद आने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक 9 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला किया गया जो मामले की जांच करेगी। लोकसभा स्पीकर ने इसके साथ ही भगवंत मान को 26 जुलाई तक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी 3 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ये रिपोर्ट बाद में सदन के पटल पर रखी जाएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती मान को संसद से दूर रहने के लिए कहा गया है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने कहा इस सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को सरकार से उम्मीदें थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो हालात है वे ठीक नहीं है, हम सत्ता की नहीं देश की बात करते हैं, इसलिए ये सब सवाल उठा रहे हैं। चाहे सरकार अटल जी की रही हो तब भी बाला साहब ठाकरे सवाल करते थे, अब बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, हम लोग देश के लिए सवाल उठाते रहेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि बीजेपी हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि देश की तस्वीर साफ नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे फॉग चल रहा है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सलमान खान को चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट से अभिनेता को 5 साल कैद की सजा मिली थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सलमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। मामले में 12 आरोपी थे, जिनमें से 11 को बरी किया जा चुका है। इसका लाभ सलमान को मिला। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री उनके वकील के साथ जोधपुर हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट के फैसले को बिश्नोई समाज आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजकर विदेशों में उनके निवेश के बारे में जानकारी मांगी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजकर शाहरुख खान से बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और दुबई जैसे देशों में निवेश का ब्यौरा मांगा गया है। सिंगापुर के जरिए इसी तरह के निवेश करने वाले कुछ दूसरे कारोबारियों को भी ऐसे ही नोटिस भेजे गए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि डिपार्टमेंट के पास शाहरुख की विदेशी संपत्तियों के बारे में मिली जानकारियों में रकम काला धन के तहत आती है या नहीं। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 131 के तहत भेजा गया है। ये एक्ट टैक्स अधिकारियों को जांच का अधिकार देता है। गिरफ्तारी के बाद कल पहले उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एम्स ले जाया गया। बाद में रात करीब 12:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर संगरूर के लिए रवाना हो गई। विधायक नरेश यादव की कोर्ट में पेशी से पहले मालेर कोटाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप कार्यकर्ता विधायक की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए विरोध कर रहे हैं। नरेश यादव ने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक नरेश यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आरोपी विजय ने मालेर कोटला मामले में नरेश की भूमिका बताई थी। इनके फोन रिकॉर्ड भी इस बात का सबूत देते हैं। मीडिया से मुखातिब ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश की चिंता करें, हमें सलाह ना दें। पाकिस्तान आग में जल रहा है और नवाज शरीफ भारत को सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के हालात पर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में बिगड़े हालात की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। प्रधानमंत्री जब चाहे कश्मीर के हालात में सुधार कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के कार्यकाल में जो काम कश्मीर में हुए, उन पर अमल करने की जरूरत है। इस इलाके में विस्फोट और विमान की मदद से तलाशी अभियान और सघन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। लापता विमान की खोज के लिए एक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर जहां से विमान के रडार से अंतिम बार संपर्क टूटा था, वहां पर अब मौसम थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन समुद्र अब भी रफ है। लापता विमान की खोज में नौसेना के 12 युद्धपोत, कोस्ट गार्ड के 4 जहाज और 17 विमान लगाए गए हैं। दिल्ली में इस संगठन की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक के दौरान करीब 1000 प्रतिनिधि नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान संगठन बनाया था, लेकिन इससे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी। अब 31 जुलाई को होने वाली मीटिंग में इस बात का ऐलान हो सकता है। फिलहाल स्वराज अभियान की 6 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा जिलों में निर्वाचित इकाई बन चुकी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने ट्विटर पर सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला और कड़ी टिप्पणियां की। तेजस्वी ने ट्वीट कर बीजेपी नेता सुशील मोदी पर व्यंग करते हुए कहा कि कौन फैला रहा है बिहार में जंगलराज, सुशील कुमार मोदी जी। देखिए अपने परम प्यारे टूना पांडे की करतूत, निकालिए अब कैंडल मार्च। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुशील कुमार मोदी के उस ट्वीट को भी शेयर किया, जिसमें सुशील कुमार मोदी ने टूना पांडे की जीत पर उन्हें बधाई दी है। आजम खान ने कहा कि बादशाह ने एक साल में देश के हर परिवार को करोड़पति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब परदेशी हो गए हैं। मोदी ने विदेशों में ढोल नगाड़े बजाने का नंगे भरा काम किया है। आजम ने कहा कि दो राजनीतिक दलों के हाथ में जूता है और दोनों एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। अब ये दो बदतमीजों में मुकाबला है। हमारे ऊपर इल्जाम था कि हमने मुजफ्फरनगर दंगा कराया है। हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं। वे हमें पाकिस्तान में ही भेजना चाहते हैं, वे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये बात साबित हो कि दंगा मैंने कराया था तो मुझे कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर फांसी लगा दो।
क्योंकि भारतीय रेल ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्ञान और मनोरंजन के लिए रेल रेडियो सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है, जो आपात और आपदा की स्थिति में भी कारगर हो सकती है। सरकारी लोक परिवहन में प्रीमियर सेवा ट्रेन सहित करीब 1000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू करने की योजना बनाई है। योजना के मुताबिक कोचों में लगे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर यात्रा की केवल लोकप्रिय गीत संगीत सुन सकेंगे, बल्कि हर घंटे ट्रेन संबंधी नवीनतम सूचना से भी अवगत होते रहेंगे। इस प्रणाली का इस्तेमाल आपात स्थिति में चेतावनी देने के लिए किया जाएगा।